सो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई में। और मैं आपका होस्ट शुभेंदु सिंह आज आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, 1 BHK अपार्टमेंट जो कि पोजेशन आने वाला है जिसका 2022 दिवाली में। तो एक अच्छा रेडी टू मूव इन ऑप्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर इस प्रोजेक्ट का मैं नाम बताऊँ आपको तो ये है ओएसिस ग्रैंड स्टैंड प्रोजेक्ट, जो कि फिल्म सिटी जो यमुना एक्सप्रेस वे पर जेवर एयरपोर्ट के पास बन रही है उससे अपोजिट में पड़ता है। ये बिल्कुल मेन हाईवे से लगा हुआ प्रोजेक्ट है। पजेशन जैसे मैंने आपको बताया इसी साल दिवाली पे पजेशन स्टार्ट हो जाएंगे इसके। OC जो है इसका वो लगभग 1.5 से 2 महीने में आ जाएगा। तो एक रेडी टू मूव इन में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो यमुना एक्सप्रेस वे पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक छोटे अमाउंट में, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है ये, और जिस तरीके से बन रहा है फिनिशिंग क्वालिटी वाइज अच्छा है। सो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1 BHK विद किड्स रूम जो ये अपार्टमेंट रहेगा। अगर स्क्वायर फिट की बात करें तो 790 स्क्वायर फिट का ये साइज़ है। तो चलिए वीडियो में आपको दिखाते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको मेरी प्रॉपर्टी की नोटिफिकेशन मिलती रहे नई वीडियोस की। और मैं इसी तरह की पैन इंडिया वीडियोस बनाता हूँ, प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, रिव्यू करता हूँ, एडवाइस करता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 1 BHK यमुना एक्सप्रेस वे पर। देखा 1 BHK प्लस किड्स रूम एक अपार्टमेंट ओएसिस ग्रैंड स्टैंड प्रोजेक्ट में यमुना एक्सप्रेस वे पर। जो देखिए इसका जो लेआउट है, लेआउट काफी अच्छा बना है, वीडियो में आपने देखा होगा, स्पेशियस है काफी। और मुझे लगता है अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन से देखें या फिर बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो ट्रैवल करते हैं, दिल्ली आना जाना लगा रहता है और कभी कभी अपना घर चाहिए होता है, तो मुझे लगता है होटल में ना रह के एक अपना घर बना सकते हैं यहाँ पे आप। एप्रिसिएशन के हिसाब से भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो अच्छा लेआउट है। तो यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे पे आप देखेंगे एफरल पार्क पूरा बन रहा है, उसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहे हैं, प्लॉट्स कट चुके हैं ऑलरेडी, उसके अलावा आप देखेंगे फिल्म सिटी मिल जाती है, जेवर एयरपोर्ट तो आ ही रहा है। जेवर एयरपोर्ट के साथ मुझे एक चीज़ और याद आई कि यहाँ पे MRO आ रहा है। MRO बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो भी एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस होती है,
जो उनका सारा वर्क देखते हैं सर्विसिंग का, ये सारी चीज़ का पूरा एक यूनिट है जो यहाँ पे आने वाला है जेवर एयरपोर्ट के साथ ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस और भी इन फ्यूचर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होने हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह आएंगे। तो एक बहुत अच्छी फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है देखिए, तो एप्रिसिएशन के तौर पर भी आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, प्लस इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो है ही, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। मुझे लगता है अगर प्लॉट वगैरह में देखे जाते हैं, इसमें भी एक चीज़ ये है कि आप अगर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना यहाँ पे आजकल इलीगल प्लॉटिंग में फंस जा रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर अवेयर करना चाहूँगा कि इस तरह की इलीगल प्लॉटिंग में लेने से बेटर तो ये है कि आप एक अपार्टमेंट ले लीजिए, बेशक छोटा साइज लीजिए, एटलीस्ट आपका रेरा अप्रूव्ड होगा, सारी चीज़ें होंगी, लीगली सही होंगे आप, तो किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप सेफ रहेंगे। रही बात इसकी प्राइसिंग की, जो प्राइसिंग है इसकी वो फ्लोर वाइज रहती है, तो 31 लाख से 33 लाख तक की इसकी कॉस्ट आ जाती है, डिपेंड करता है कौन सी फ्लोर पे आप ले रहे हैं। बाकी बैंक लोन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक लोन यहाँ ऑलरेडी अप्रूव है, SBI अप्रूव ये पूरा प्रोजेक्ट है। वैसे मैं आपको बता दूँ OC इसका लगभग 2 महीने के अंदर आ जाएगा। पोजेशन की अगर बात करें तो इस साल 2022 में दिवाली तक इसका पोजेशन बिल्डर बोल रहे हैं देने के लिए, तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है, यमुना एक्सप्रेस पे फिल्म सिटी है, जेवर एयरपोर्ट है बिल्कुल उसके अपोजिट में है। जेवर एयरपोर्ट का डिस्टेंस अगर हम बात करें तो यहाँ से हार्डली 15 मिनट का डिस्टेंस है बाय रोड, और अगर फिल्म सिटी की बात करें तो वो बिल्कुल इसके अपोजिट में है। तो इन फ्यूचर जब फिल्म सिटी बन जाएगी तो उसके बाद भी डिमांड होगी फ्लैट्स की। बाकी कोई और दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मेरा भी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की किसी प्रॉपर्टी की रिव्यू एडवाइस चाहिए तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, मैं इसी तरह की प्रॉपर्टी की वीडियोस लेके आता रहता हूँ अलग अलग शहरों से, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए नीचे लाल वाला। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर कोई नई प्रोजेक्ट दिखाता हूँ किसी नए शहर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।